मैं डॉक्टर अलका गुप्ता, नेचुरोपैथिस्ट, आपकी दोस्त, आज फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक ज्वलंत विषय लेकर। अभी सब तरफ डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और टाइफाइड इस प्रकार का या वायरल फीवर फैला हुआ है। उसको हम किस प्रकार से घरेलू चिकित्सा से ठीक कर सकते हैं या नेचुरोपैथी से हम ठीक कर सकते हैं, उसको आज हम जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमको बुखार क्यों होता है। हम लोग नेचुरोपैथी में बुखार को अपना मित्र बोलते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो एक रेड अलर्ट है हमारे सामने। यदि बुखार आया है, इसका मतलब है कि आपको सावधान होने की ज़रूरत है। या तो आपकी दिनचर्या गलत है, या आपका आहार विहार गलत है, या आप ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको बुखार आ गया है। अब बुखार आ गया है तो उसके लिए हमको क्या करना है? हम सबसे पहले प्रिकॉशन लेंगे कि किस प्रकार से हम प्रिकॉशन ले सकते हैं कि हमको बुखार ना आए। यदि अगर हमको बुखार आता है तो हमको क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम हम देखेंगे बहुत सरल सा और इजी सा उपाय, जो कि हमेशा मैं आप लोगों को पट्टी लगाना बताती हूँ। तो इस प्रकार से आप पट्टी घर में भी आप बना सकते हैं। ये पट्टी है, ये प्लास्टिक की है, प्लास्टिक है। इस प्रकार से इतनी चौड़ी आपको रखना है ये पट्टी, और दूसरी है कॉटन की और यह खादी की। समझ लीजिए ये खादी की पट्टी है। इस खादी की पट्टी को यदि आपके पास खादी का कपड़ा है तो आप बना सकते हैं, और यदि खादी का कपड़ा नहीं है आपके पास में सॉरी, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, पुराना कॉटन कपड़ा लेंगे या कोई भी पुराना कपड़ा लेकर उसको इस प्रकार से पट्टी बना लेंगे, और उसको ठंडे पानी में, बहुत ठंडा पानी नहीं, थोड़े से ठंडे पानी में इसको हल्का सा डुबो देंगे और उसको निचोड़ लेंगे, और चेस्ट के पास में आप इसको लपेट लीजिए। यदि आपका 101, 102, 3 तक का बुखार है तो इससे बिल्कुल ठीक हो सकता है। ये पट्टी लगा लीजिए, इस पट्टी के बाद ये प्लास्टिक पट्टी इसमें आप बांध लीजिए, और उसके बाद आप पूरे शरीर में स्पंज कर सकते हैं। स्पंज करने के बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर बुखार 103 से ज़्यादा हो गया है तो डॉक्टर से पास भले आप जाइए, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पे बर्फ़ की पट्टी से भी आप अपने माथे में बर्फ़ की इस प्रकार से पट्टी लगा सकते हैं। आपके पैर के तलवों में आप उसको घिस सकते हैं। घुटने के नीचे वाला जो हिस्सा रहता है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो उस पर भी इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। तो आपके शरीर में जो देखेंगे ना कि जो बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है, वो पसीना आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब हमारे को बुखार इसलिए आता है क्योंकि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जो फॉरेन मटेरियल है वो हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है। तो फॉरेन मटेरियल हमारे कैसे निकलता है? या तो उल्टी के थ्रू निकलता है, या फिर पसीने के थ्रू निकलता है, या पॉटी के थ्रू निकलता है। जब हमारे शरीर में रोगाणुओं की वृद्धि हो जाती है, उन रोगाणुओं को मारने के लिए जो श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं वो उनको मारती हैं। जब उनकी श्वेत रक्त कणिकाओं से ज़्यादा वृद्धि कीटाणुओं की हो जाती है, वो कीटाणु जब श्वेत रक्त कण मर जाते हैं तो शरीर में गर्मी पैदा होती है। हमने देखा होगा, सामान्य सी बात है कि अगर कोई भी चीज़ अगर ख़राब होने वाली रहती है तो हम उसको गर्म कर लेते हैं, या कोई चीज़ को गर्म कर लेते हैं तो वो चीज़ ख़राब नहीं होती। तो इसी प्रकार प्रकृति हमारी खुद रक्षा करती, शरीर को गर्म करके जो शरीर की जो गंदगी है उसको बाहर निकालती है, जिससे कि हम स्वस्थ होते हैं। ये हो गया। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत सरल सा एक बहुत अच्छा सा उपाय है जिसको मैं सोचती हर कोई कर सकता है। ये गिलोई है, गिलोई हर किसी के घर में रहती है, नहीं रहती है तो रोड में भी मिलती रहती है। आजकल तो गिलोई वटी भी आ गई है और गिलोई स्वरस भी है, उसको भी आप ले सकते हैं। अब इसके बाद इसको आपको बनाना कैसे है, आप समझ लीजिए। एक लीटर आप पानी लेंगे, एक लीटर आप पानी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा आप ये जो है गिलोई की डंडियाँ इसको छोटी छोटी सी काट लीजिए, एक एक इंच के बराबर काट लीजिए, और इसको जिस प्रकार से अपन अदरक कूटते हैं उसी प्रकार से आप कूट लीजिए। अब उसको कूट लेने के बाद आपको क्या होगा, एक ग्लास पानी, एक लीटर पानी डालिए, उसमें आप इसको डाल दीजिए, और थोड़ी सी आप अजवाइन डाल दीजिए, एक पिंच आप अजवाइन डाल दीजिए। अजवाइन डालने के बाद इसको आप अच्छे से उबाल लीजिए। जब ये 800 ml रह जाएगा तब आप इसको, एक मिनट, मुझको ठसका लग रहा है,
कहीं कोई सब्जी उब्जी बन रही बहुत तीखे से। तो इस प्रकार से जब आप ये कर लेंगे, उबल गया अच्छे से, इसको ढक के रख दीजिए। फिर जब भी थोड़ा सा कुनकुना रहेगा तो थोड़ा सा इसमें हल्दी डाल दीजिए। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा इसमें नींबू भी डाल सकते हैं। आप इसमें नींबू डाल दीजिए। अगर छोटे बच्चों को देना है तो इसमें थोड़ा सा आप शहद डाल दीजिए। बस ये आपकी दवाई बन गई। ये जो नमक है, भुना हुआ नमक, ये बहुत अच्छी औषधि, इतनी अच्छी औषधि है कि सिर्फ ये अकेली यही काम कर लेती है। इस नमक को हमको कैसे बनाना है, नमक को सेंधा नमक आपको लेना है। सेंधा नमक लेने के बाद तवा में आपको हल्का सा ऐसा गरम करना है। जब आप गरम कर लेंगे तो फिर उसके बाद इसको आप एक चम्मच के करीब ये पानी में आपको डालना है। फिर इस पानी को आपको तीन बार पीना है। तीन बार जब आप पियेंगे, कोशिश करें कि आप खाली पेट पियेंगे, क्योंकि इसको पीने से कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को लूज मोशन हो जाता है, कुछ लोगों को वॉमिटिंग हो जाती है। तो उसमें डरना नहीं है, इससे आपके जो अंदर फॉरेन मटेरियल था, जो आपकी गंदगी थी, वो आपकी बाहर निकल रही, उससे आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से आप करिए तो आपका बुखार एकदम अच्छे से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बुखार ठीक हो जाएगा ये आपके लिए समझ लीजिए जो गांधी जी ने अपनी रिटर्न टू नेचर करके प्राकृतिक चिकित्सा की बुक लिखी हुई है। जब वो अफ्रीका गए तब उन्होंने देखा कि डॉक्टरों की दवाई से लोग इतना ज़्यादा ठीक नहीं होते थे, उतना ज़्यादा इस नमक से ठीक होते थे। तो उन्होंने इसका उल्लेख किया, ये तो हमको फ्री में मिलता है, घर में मिलता है, और बिल्कुल आप अपना के देखिए, ये 100% किसी भी प्रकार का कोई सा बुखार हो उसके लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब इसके बाद ये हो गया हमारा, इसको हम अच्छे से समझ लिए। गिलोई हमने समझ लिया, गिलोई को कैसे यूज़ करना है। उसके बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि ये हम नहीं कर पा रहे हैं, पहली बात तो करिए, क्योंकि बहुत सरल है ये। बस थोड़ा सा तुलसी लीजिए, तुलसी अच्छे से पीस लीजिए, तुलसी का रस निकाल लीजिए, एक चम्मच तुलसी, उसमें आप 1/4 teaspoon काली मिर्ची डाल लीजिए, पिसी हुई काली मिर्ची डाल लीजिए, और इसमें एक चम्मच आपको शहद डालना है। बस ये आपकी औषधि बन गई। इसको भी दिन में 3 बार लेना है। जितनी भी मैं औषधि आप लोगों को बता रही हूँ, एक यूज़ करना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ से मेरे को फ़ायदा हुआ तो उसको डबल यूज़ करिए, आपको ऐसा लगता है इससे फ़ायदा नहीं हुआ है उसको छोड़ के दूसरा ट्राई करिए। अधिक से अधिक, और बुखार की सबसे अच्छी जो औषधि है वो है पानी, सादा पानी। आप सादा पानी आपको लेना है और उसको उबाल लेना है। उस उबले पानी को धीरे धीरे का दिन भर जितना हो सके आपको पीना है, क्योंकि जब हम बुखार होता है हमारे को तो हमारे शरीर में हीट होती है, हीट से फिर क्या होता है, हमारे को पसीना आता है। जितना ज़्यादा आपको पसीना आएगा उतनी जल्दी आपकी रिकवरी होगी, और पसीना आने की वजह से क्या होता है, मुंह आपका सूखने लग जाता है, मुंह का टेस्ट आपका ख़राब हो जाता है, डिहाइड्रेशन होने की संभावना रहती है। इसलिए धीरे धीरे जब आप पानी पियेंगे तो पसीना भी आपको बहुत अच्छे से आएगा, आपके शरीर भी आपको ठंडा हो जाएगा, आपका टेम्परेचर भी आपका कम हो जाएगा, और आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा। इसलिए पानी अधिक से अधिक मात्रा में आप पीजिए, सादा पानी उबाल कर पीना है। फिर है तीसरा है, ये हमारे को फिटकरी है। फिटकरी आपको ले लेना है, फिटकरी को हल्का सा पीस लेना है। मान लो आपने 50 ग्राम फिटकरी को पीसा है तो उसमें से 5 ग्राम फिटकरी को ले लीजिए। 5 ग्राम फिटकरी में आप 100 ग्राम शहद मिला लीजिए, 100 ग्राम शहद मिला लीजिए। इसको भी दिन में 3 से 4 बार आपको लेना है। लेना कितना है, 1/4 teaspoon फिटकरी लेंगे और 1 चम्मच भर के आप शहद लेंगे, तो इससे भी आपका शरीर भी शुद्ध होगा, आपका बुखार भी ठीक होगा, और आपको जो कमजोरी आ गई थी बुखार की वजह से वो भी आपके ठीक होगा। ठीक, अब उसके बाद ये हमारा ये वाला हो गया। अब बुखार होने के बाद क्या होता है कि हमारे को कमजोरी हो जाती है। उस कमजोरी को दूर करने के लिए हमको क्या करना है कि ये दूध लेना है। दूध में आपको आधा पानी लेना है, आधा दूध आधा पानी, और उसमें थोड़ा सा आप या तो आप सौंफ डाल लीजिए या तो फिर आप अजवाइन डाल लीजिए। अब इसको आपको धीरे धीरे घुट घुट करके पीना है, जैसे आप कोई चीज़ को खा रहे हैं इस प्रकार से आपको पीना है। तो इससे आपकी गैस भी ठीक होगी, आपका पेट फूलना भी ठीक होगा, प्लस आपको जो वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा था वो भी आपको नहीं होगा, और आपको ताकत आएगी।
इस प्रकार से हम दूध लेंगे। और हम दिन भर जितना हो सके आप नींबू पानी लीजिए, जितना ज़्यादा आप नींबू पानी ले सकते हैं उतना ज़्यादा आप नींबू पानी लेंगे। और उसके बाद क्या होता है कि अगर मान लो आपको ऐसा लगता है कि आपकी भूख नहीं खुली हुई है, तो ये जो यकृत जो मैंने पिछले बार भी बताया था, इसको डिटेल बताया था, इस यकृत को भी आप ले सकते हैं। इस यकृत को लेने से जो आपकी भूख है वो आपकी खुल जाएगी, आपको वोमिटिंग सेंसेशन है वो भी ठीक हो जाएगा, आपको जो पोटी हो रही वो भी ठीक हो रहा है, पेट फूल रहा है वो भी ठीक हो गया, गैस भी आपकी ठीक हो जाएगी। इसमें बहुत प्रकार की औषधियाँ मिली, कई बार क्या होता है इतनी सारी चीज़ें हम कर नहीं पाते, तो ये इसमें बहुत सारी औषधियाँ मिली हैं, इससे आप ठीक हो जाते हैं। और एक चीज़ मैंने आपको और बताया था पिछले बार यकृत के समय, जब मैंने बताया था लीवर का प्रॉब्लम, क्योंकि लीवर में भी ऐसी होता है कि हमको भूख नहीं लगती। एक नींबू लेना है, नींबू के चार हिस्से काट लेना है, नींबू पूरा पूर्ण रहेगा, पूरा चार टुकड़े नहीं करना है, और एक टुकड़े में आपको सौंठ डालना है, एक में काली मिर्ची डालना है, एक में जीरा डालना है और एक में मिश्री डालना है। और इसको या तो आँच में ऐसे अच्छे से घुमा लीजिए, और जब नींबू आपका नरम हो जाएगा छिलका, बस उसको दिन भर आपको चाटना है, थोड़ा थोड़ा करके आपको चाटना है। ये जब चाटेंगे, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको तवा में रख दीजिए और धीमी आँच में रख दीजिए, तो धीरे धीरे ये जो नींबू का रस है कल बलाने लग जाएगा। फिर जब उसके बाद ये पक गया नींबू समझ लीजिए, तो बस इसको धीरे धीरे आपको चूसना है। इसको चूसने से जो मुंह का टेस्ट आपका ख़राब हो गया था, मुंह आपका कड़वा हो गया था, आपको जो भूख नहीं लग रही थी, आपका पेट फूल रहा था, वोमिटिंग सेंसेशन हो रहा था, वो सब आपका ठीक हो जाएगा। और आप मुनक्का को रात को भिगो दीजिए और सवेरे उसको भी खाइए और उसके पानी को भी पीजिए, तो उससे आपकी कब्ज भी ठीक होगी, आपकी कमज़ोरी भी ठीक होगी। ऐसी सेम हम उसके साथ भी कर सकते हैं, अंजीर के साथ भी सेम कर सकते हैं, और साथ में आप खजूर के साथ भी कर सकते हैं। खजूर को भी बारीक बारीक आप काट लीजिए, बारीक काटने के बाद दूध में डाल लीजिए और उसको उबाल लीजिए, लेकिन बस क्या रखेंगे, आधा पानी आधा दूध, और उसको लेने से भी आपको आपकी कमजोरी दूर हो जाती है। और उसके बाद जो मुनक्का रहता है, मुनक्का को आप थोड़ा सा तवा में मुनक्का थोड़ा सा डाल लीजिए और उसको हल्का सा शुद्ध घी डाल के सैलो फ्राई कर लीजिए, उसमें सेंधा नमक डाल लीजिए, उसको धीरे 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 दिन भर आप खाइए और चूसिए, तो इससे आपकी भूख भी खुलेगी और आपकी कमजोरी भी हमारी दूर हो जाएगी। इस प्रकार की सारी चीज़ें यदि आप करेंगे तो आपको बुखार भी नहीं होगा। जैसे कि ये जो मैंने काढ़ा बना रखा हुआ है, ये काढ़ा यदि हम पीते रहेंगे तो हमको कभी बुखार नहीं होगा। और सपोज अगर बुखार है तो बुखार हमारा ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से आप करते रहिए, और जब ये सब आप करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई सा भी बुखार नहीं होगा, और बुखार होगा तो आपको जल्दी से ठीक हो जाएगा, जल्दी से ठीक हो जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इसी प्रकार से मेरे छोटे छोटे से जो वीडियो हैं उनको आप देखते रहिए, क्योंकि मैं बहुत ही छोटी छोटी सी आपको घरेलू औषधियाँ बताती हूँ, जो कि हमारे पास सब कुछ घर में अवेलेबल है, ऐसी भी कोई भी चीज़ नहीं कि जो हम नहीं कर सकते। साथ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि कई बार क्या होता है, कोई कुछ चीज़ नहीं खा सकता, कोई कुछ नहीं खा सकता, किसी को किसी चीज़ से एलर्जी रहती है, तो किसी एक भी उपाय को अगर आप करते हैं तो बिल्कुल आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इसी प्रकार से मेरी वीडियो को आप देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और साथ में मुझको मेरे वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं या मेरे वीडियो को शेयर करते हैं तो मुझको बहुत आनंद मिलता है, और मेरे को लगता है यही मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। आपके लिए मैं एक समय निकालकर आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। धन्यवाद। इसी प्रकार से मेरी वीडियो को आप देखते रहिए।